अब हम लोग डिफरेंशिएशन जो है उसको दो तीन क्लास में क्विक रिवीजन करेंगे, ठीक है। और आप में से सभी स्टूडेंट्स ने डिफरेंशिएशन पढ़ा हुआ है। मैं पूरा जो डिफरेंशिएशन है उसको तीन क्लास में, मतलब आज, कल और परसों, तीन दिन के अंदर पूरे डिफरेंशिएशन का क्विक रिवीजन करवाऊंगा। और इस डिफरेंशिएशन के रिवीजन का आपको फायदा सिर्फ और सिर्फ तभी होगा जब आप लोग क्वेश्चन, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस करोगे, मतलब जिस स्पीड से मैं कराऊंगा उसके डबल स्पीड से आपको प्रॉब्लम्स करनी है। जो मैंने असाइनमेंट दिया है उस असाइनमेंट से क्वेश्चंस करने हैं, या आपके पास जो भी बुक्स है, एनसीईआरटी तो करना ही है, एनसीईआरटी के अलावा जो दूसरी बुक है उसको जरूर करना है, क्योंकि एनसीईआरटी में एक लिमिटेशन है अपने पास, ये कि उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम दिए हुए हैं। तो ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए जो भी दूसरी बुक है आपके पास, वो बुक के, उस बुक के क्वेश्चंस को जरूर करना है, ठीक। अदरवाइज जिसके पास बुक नहीं है उनको मैंने असाइनमेंट दिया हुआ है ही, आप असाइनमेंट से कर सकते हैं, लेकिन करना जरूर है। बिना क्वेश्चन किए हुए इस डिफरेंशिएशन के रिवीजन का कोई खास मतलब नहीं रह जाएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर अपने पास y इज इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन है, इफ y इज इक्वल टू एफ एक्स दिया हुआ है अपने पास, देन dy अपॉन dx और f डैश x और y डैश और y1 रिप्रेजेंट्स द डेरिवेटिव ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x। तो हम क्या कहते हैं कि ये इसका डेरिवेटिव है, ठीक। डेरिवेटिव कहते हैं या डिफरेंशियल कोफिशियंट कहें, एक ही बात है, ठीक। जैसे कि एग्जांपल, cos x इज द डिफरेंशियल कोफिशियंट ऑफ sin x या डेरिवेटिव ऑफ sin x। आप लोगों को पता है कि sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x होता है। तो हम इसको कह सकते हैं कि cos x इज द डेरिवेटिव ऑफ sin x या cos x इज डिफरेंशियल कोफिशियंट ऑफ sin x, ठीक। अब डिफरेंशिएशन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द डेरिवेटिव इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द डेरिवेटिव इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। जो डेरिवेटिव है उसको फाइंड करने के पूरे प्रोसेस को हम डिफरेंशिएशन कहते हैं, ठीक। अब 11th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा है डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। फर्स्ट प्रिंसिपल से हम लोग डेरिवेटिव कैसे फाइंड करते हैं, एफ डैश एक्स, ये होता है लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स, ठीक। इसके लिए आर एच डी, देखो कहीं कहीं पे डेल्टा एक्स की जगह पे एच टेंड्स टू भी जीरो रखा रहता था। अगर मान लिया कि इफ यू हैव टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू ए, देन इसका आर एच डी हम लोग डिफाइन करते थे लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच, और एल एच डी होता था लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन माइनस एच, ठीक। और इफ एल एच डी इज इक्वल टू आर एच डी, देन वी से दैट एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू ए। तो हम लोग क्या कहते थे कि एक्स इक्वल टू ए पे फंक्शन डिफरेंशिएबल है, और इस तरीके से डिफरेंशिएबिलिटी चेक की जाती थी, ठीक है। हमने ये चीज पढ़ी है क्लास
11 के अंदर, ठीक है। इसको आप लोग फटाफट नोट कर लीजिए। देखो डिफरेंशिएशन करने के लिए इसके कुछ रूल्स हैं, वो रूल्स देख लेते हैं। सबसे पहला रूल है एडिशन और सब्ट्रैक्शन रूल, ठीक। देखिए हम लोग फर्स्ट प्रिंसिपल के बारे में ज्यादा यहां चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि 12th क्लास में फर्स्ट डिफरेंशिएशन है नहीं, उसके क्वेश्चन 11th क्लास के अंदर ही थे, ठीक है। तो उसमें अननेसेसरी टाइम ना लगा के 12th का जो पोर्शन है उसके ऊपर हम लोग ज्यादा फोकस करेंगे। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन रूल, देखो अपने पास अगर y इज इक्वल टू यू प्लस वी दिया हुआ है तो y डैश करना है तो u डैश प्लस v डैश अलग अलग हो जाएगा, ठीक है। मतलब अगर दो अलग अलग टर्म्स ऐड हो रहे हो तो डिफरेंशिएशन अगर आपको करना है तो दोनों का डेरिवेटिव अलग अलग कर देंगे। उसी तरीके से अगर माइनस है तो माइनस का भी, ठीक। सेकंड प्रोडक्ट रूल आता है। प्रोडक्ट रूल क्या कहता है कि y इज इक्वल टू अगर u इंटू वी है तो u डैश क्या होगा, u डैश इंटू वी प्लस u इंटू वी डैश। देखिए एक का डिफरेंशिएशन दूसरा मल्टीप्लाई प्लस पहले वाले को मल्टीप्लाई और दूसरे वाले का डेरिवेटिव कर दिया हमने, सही हो गया। थर्ड है क्वोशेंट रूल, इसको डिवीजन रूल भी कहा जाता है या क्वोशेंट रूल भी आप कह सकते हैं। तो y इज इक्वल टू अगर u अपॉन v है तो y डैश अगर करना है आपको तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर होगा न्यूमरेटर का डैश इंटू डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डिनोमिनेटर डैश, ठीक है। अब देखिए फोर्थ है अगर y इज इक्वल टू k इंटू एफ एक्स दिया हो, मतलब कि अगर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो तो y का डैश जब करोगे तो k इंटू एफ डैश एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो जाएगा और फंक्शन का डेरिवेटिव। इसमें एक नोट बात नोट करके बात लिख लीजिए, जैसे y इज इक्वल टू यू इंटू वी इंटू डब्ल्यू हो तो y डैश क्या होगा। देखो जब दो टर्म्स प्रोडक्ट में हो रहे हो तो डिफरेंशिएशन किया था हमने u डैश इंटू वी प्लस u इंटू वी डैश। थ्री टर्म्स अगर हो तो u डैश इंटू वी डब्ल्यू प्लस u इंटू वी डैश डब्ल्यू प्लस u इंटू वी इंटू डब्ल्यू डैश, ठीक है। उसी तरीके से अगर चार टर्म्स होते तो एक को डिफरेंशिएट बाकी तीन को मल्टीप्लाई, फिर दूसरे को डिफरेंशिएट बाकी को मल्टीप्लाई, इस तरीके से चलता, ठीक है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। देखिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, आप लोगों ने टाइम ज्यादा लगा दिया। क्वेश्चन था y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स इंटू टू एक्स प्लस फाइव अपॉन एक्स प्लस वन। इसका डिफरेंशिएशन करना है। क्या हुआ, कौन गिर गया? तो देखिए यहां पे क्या है इस क्वेश्चन में, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स और टू एक्स प्लस फाइव ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है ना, और x प्लस वन से वो डिवाइड हो रहा है। अगर तुम दोनों का जैसे रागिनी ने किया है, इसका डिफरेंशिएशन अलग कर दिया और इसका अलग कर दिया, नीचे का अलग कर दिया, जब अलग अलग करना ही था तो u इंटू v वाला रूल हमने पढ़ा क्यों है या फिर क्वोशेंट रूल हमने क्यों पढ़ा है? जब u इंटू v पढ़ा था तब तो u डैश इंटू v डैश हो जाना चाहिए था। रागिनी गलती समझ में आया कि नहीं? Yes, sir. देखिए डिफरेंशिएशन जो है ये पूरे कैलकुलस का सबसे बेसिक या सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर ये नहीं आएगा तो समझो कि कैलकुलस नहीं आ सकता है, ठीक। मैं बार बार कम से कम 2000 बार कह चुका हूं, वो इसलिए कहता हूं ताकि आपको इसको पूरा सीखना है। नहीं सीख पा रहे हो, कोई प्रॉब्लम है, कोई कंफ्यूजन है तो आप हमसे डिस्कस कीजिए। मैं आप लोगों का सॉल्यूशन इसलिए मंगवाता हूं ताकि मैं आपको बता सकूं कि यहां पे आपने गलत किया है, यहां पे आप गलत सोच रहे हो, यहां पे आपका अप्रोच गलत है, ठीक है।
तो उसको आपको करेक्ट करना है। डिफरेंशिएशन सीखने का ये लास्ट मौका है, ये नहीं कि हम बार बार डिफरेंशिएशन ही पढ़ते रहेंगे, आगे बहुत कुछ अभी पढ़ना है, पूरा सिलेबस हमारा ऑलमोस्ट बचा हुआ है। अब देखिए इसको करेंगे कैसे, दो तरीका है, या तो मैं ऊपर वाले को पहले मल्टीप्लाई कर लेता हूं, ठीक, तो y इज इक्वल टू मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना हो जाएगा 2x³ + 5x² + 6x² + 15x / x + 1। इसको 2x³ + 11x² + 15x / x + 1, ठीक है ये। अब जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो हम क्या देख रहे हैं कि एक टर्म ऊपर है और एक नीचे है, ये u अपॉन v के फॉर्म में है, तो हम इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं क्वोशेंट रूल लगा के। क्वोशेंट रूल में क्या होता था, u का डैश इसका डिफरेंशिएशन इनटू डिनोमिनेटर, ठीक, ये था u अपॉन v था, v का स्क्वायर u का डैश इनटू v माइनस u इनटू v डैश, ठीक है, तो u का डैश किया इनटू v माइनस, अब u को मल्टीप्लाई, ठीक, और v का डैश यानी कि x प्लस वन का डैश, ठीक, अपॉन में कितना x प्लस वन, ठीक है, सबको समझ में आ गया कि नहीं, जल्दी बताओ। यस सर, यस सर, x प्लस वन का होल स्क्वायर ना डिनोमिनेटर में, हाँ यस, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर, अब देख डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन करते हैं तो 2 कांस्टेंट है मल्टीप्लाई x क्यूब का हो जाएगा 3x², तो मैं इसको 6x² लिख देता हूँ प्लस एक्स स्क्वायर का 2x + 1 - 2x³ + 11x² + 15x, अब आप इसको मल्टीप्लाई करके चाहो तो सिंप्लीफाई कर ले सकते हो, तो कितना हो जाएगा 6x³, चलो छोटी बुला रही, चलो 15x हां 6x² 2x 2x³ माइनस 11x² माइनस 15x, नीचे x प्लस 1 का, तो 6x³ माइनस 2x³ हो गया 4x³, 22 + 6 = 28, 28 - 11 कितना हो जाएगा 17x² 15x + 22x, तो 15x से 15x कैंसिल हो गया यहाँ पर, फिर 22x + 15 और नीचे x + 1 का स्क्वायर, यही इसका डेरिवेटिव आ गया, समझ गए। चलिए y इज इक्वल टू, देखिए कुछ स्टूडेंट्स ने क्या गलती की है जो बता देता हूं मैं, √3x, इसमें x मल्टीप्लाई किया तो √3x² हो गया, बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर x को जब इसमें मल्टीप्लाई कर दिया तो sin x² लिख दिया, ये थोड़ी ना होगा भाई, मान लिया कि साइन 30 डिग्री में आप 2 मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ये क्या साइन 60 डिग्री हो जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा, ये 2 साइन 30 डिग्री होगा, इसके वैल्यू में 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, गलती समझ में आ गया, ये रागिनी और पीछे कौन कन्हैया कुमार किया था लगता है, ठीक है, अब ये यहां मल्टीप्लाई होगा, ठीक, मल्टीप्लाई कर दिया और e का पावर x, अब देखिए u अपॉन v के फॉर्म में है तो क्वोशेंट रूल लगाना पड़ेगा, तो dy अपॉन dx जो है ये डिनोमिनेटर का स्क्वायर, यानी कि डिनोमिनेटर है e का पावर x, तो इसका स्क्वायर करेंगे, तो इसका स्क्वायर करने के लिए जो न्यूमरेटर है
इसका तो पहले डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा इनटू डिनोमिनेटर माइनस, अब रूट थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स साइन एक्स, इसको मल्टीप्लाई और e के पावर x का डिफरेंशिएशन, सही है। देखिए जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो रूट थ्री एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, ठीक है। अब देखो x साइन x का जब तुम डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या होगा, देखो x और साइन x मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसमें हमें जब डिफरेंशिएशन करना होगा तो प्रोडक्ट रूल लगाना है, ये गलती समझ में आ गई। x sin x का जब डिफरेंशिएशन, x sin x एक टर्म है, इसका डिफरेंशिएशन करना है तो x और sin x तो मल्टीप्लाई हो रहा है ना। हाँ जी शुभम, आपने भी ये गलत किया था, गलती का पता लग गया, बताइए सर। रागिनी तुमको आ गया समझ में? यस सर। नैया कुमार जी? यस सर। तो अब देखिए जब यहां पे प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो मैं x को मल्टीप्लाई करता हूं और साइन x को डिफरेंशिएट, देखो x को मल्टीप्लाई साइन x का डेरिवेटिव cos x हो गया प्लस अब x का डेरिवेटिव 1 और साइन x को मल्टीप्लाई, ठीक है, टू द पावर x माइनस रूट x स्क्वायर प्लस x साइन x, e के पावर x का डेरिवेटिव e का पावर x ही होता है, हमें ऑलरेडी पता है, डिनोमिनेटर में e का पावर x का स्क्वायर, देखो e का पावर x दोनों में से तुम अब चाहो तो कॉमन ले सकते हो और ये हो गया 2√3x प्लस x cos x प्लस sin x माइनस √3x स्क्वायर माइनस x sin x और नीचे e के पावर x का होल स्क्वायर, बाद में इसको कैंसिल कर दीजिए और अगले स्टेप, ठीक है, समझ में आ गया सबको? यस सर। फटाफट इसको कॉपी कर लीजिए जल्दी से। देखिए 12th क्लास में चेन रूल से स्टार्टिंग होती है, चेन रूल क्या होता है जो समझ लेते हैं। देखिए इसको मैं एक क्वेश्चन के हेल्प से समझाता हूं, जैसे y इज इक्वल टू दिया हुआ है अपने पास 3x स्क्वायर प्लस 5x और इस पूरे का पावर दिया हुआ है 8, ठीक, हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है। इसका डिफरेंशिएशन अगर करना है तो एक तरीका तो यह है कि हम इसके पावर को पूरा एक्सपेंड कर दें बाइनोमियल थ्योरम के हेल्प से, ठीक, 11th क्लास में बाइनोमियल थ्योरम आपने पढ़ा है उसके हेल्प से हम इसको एक्सपेंड कर सकते हैं और फिर डिफरेंशिएशन कर, तो उस केस में ये बहुत लेंदी हो जाएगा। अब दूसरा एक तरीका अपने पास ये है कि मैं कुछ देर के लिए 3x स्क्वायर प्लस 5x को t मान लेता हूं, ठीक, मैंने यहां t माना है, कोई u लिख सकता है, कोई v लिख सकता है, a b c कुछ भी मान सकते हो, तो मैंने इसको t मान लिया तो y इक्वल टू क्या आ गया t का पावर 5। आपको फाइंड क्या करना है, dy अपॉन dx मतलब डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं dy अपॉन dt और dt अपॉन dx, भाई y का t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दिया फिर t का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दिया, ऐसे कर सकते हैं ना? यस सर। तो अब देखिए dy अपॉन dx को हम लिखते हैं 3x स्क्वायर, सर वहां पर बाय और टी के पावर 8 ना होगा? गोलू तुम अपना माइक बंद करो, कौन है, गोलू है कन्हैया है, कौन है? चलिए इधर देखिए, तो इसको हमने टी माना था तो इसका जैसे इसको टी ही लिख लेते हैं तो टी का पावर 8, इसका डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में कर दिया, ये y था, y को हमने ये माना था, अब t का तो मतलब 3x स्क्वायर प्लस 5x का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। देखिए t के पावर 8 का t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कितना होगा, 8 इंटू टी का पावर 7
भाई x टू द पावर n का फार्मूला होता है n इनटू x का पावर n माइनस 1, इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक। अब इसका हमें x के रेस्पेक्ट में करना है, तो इसका डिफरेंशिएशन तो हम x के रेस्पेक्ट में कर सकते हैं, कितना आ जाएगा 6x + 5, तो यानी कि 8 × 3x² + 5x⁻⁷ × 6x + 5, यही आंसर आ गया, ठीक है। अब देखो 12th क्लास में जितने भी डिफरेंशिएशन होंगे सब में हमें चेन रूल ही अप्लाई करना है, तो अब यहां वहां पे जब हम क्वेश्चन करेंगे 12th में अपने क्वेश्चंस जब करेंगे तो उसमें बार बार टी वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक। मैं आपको बताता हूं डायरेक्ट आप चेन रूल अप्लाई कैसे करोगे, बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा। क्वेश्चन था अपने पास y = 3x² + 5x⁸, ठीक, हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो dy अपॉन dx चेन रूल के अकॉर्डिंग आप लेफ्ट से डिफरेंशिएशन करना स्टार्ट कीजिए। कहां से स्टार्ट करना है डिफरेंशिएशन? लेफ्ट से राइट की तरफ, ठीक। सबसे पहले देखो ये ब्रैकेट आ रहा है, ब्रैकेट में क्या है, अंदर वेरिएबल है, ऊपर का पावर कांस्टेंट है, ठीक। तो कहीं पे भी वेरिएबल का पावर कांस्टेंट आए तो x के पावर n का फॉर्मूला लगाना, कांस्टेंट का पावर वेरिएबल आए तो a के पावर x का फॉर्मूला लगाना, कांस्टेंट का पावर कांस्टेंट का डेरिवेटिव तो जीरो हो जाएगा, वेरिएबल का वेरिएबल आएगा तो लॉगरिथम की हेल्प लेंगे, अभी आगे हम लोग देखेंगे, ठीक। अब यहाँ पे वेरिएबल का पावर कांस्टेंट है तो डिफरेंशिएशन सबसे पहले मैंने क्या बताया लेफ्ट से करना है, तो ब्रैकेट आ रहा है इसका डिफरेंशिएशन कर दिया 8 × और आगे जो लिखा हुआ है वो कर दीजिए। फिर अब अंदर वाले का, तो अंदर वाला सिंपल डिफरेंशिएशन है तो हो गया 6x + 5, 3 × x² = 2x, तो 6x + 5 × x का डेरिवेटिव हुआ, तो 8 × 3x² + 5x⁷ और 6x + 5, यही हमारा डेरिवेटिव हो गया, ठीक है। इसको कॉपी कर लो और मैं कुछ छोटे छोटे से क्वेश्चंस करवाता हूं। जब डिफरेंशिएशन रूल में मैंने क्या बताया है लेफ्ट से राइट की तरफ डिफरेंशिएशन करते हैं तो साइन का क्या आ जाएगा पहले कॉस, आगे जो लिखा हुआ है वैसे लिखेंगे, लेफ्ट से राइट में सबसे पहले साइन मिल रहा है, आगे आइए कॉस आ रहा है, कॉस का डिफरेंशिएशन है माइनस साइन, आगे जो लिखा हुआ है वो लिख दो, फिर टेन का होता है sec स्क्वायर, तो sec स्क्वायर और sec स्क्वायर x क्यूब का टेन था तो sec स्क्वायर भी x क्यूब का होगा, फिर x क्यूब का डिफरेंशिएशन कर लीजिए तो 3x, तो यही इसका आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन y = log(x + 1)√(x²+2x+5), इसका डिफरेंशिएशन करके बताओ। बोर्ड का देखिए इस क्वेश्चन को, dy अपॉन dx पहले log का डिफरेंशिएशन करेंगे तो log का 1 अपॉन, तो 1 × x + 1 √(x²+2x+5)✕ अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो देखिए पहले log का कर दिया, लेफ्ट से राइट डिफरेंशिएशन करते थे पहले log का कर दिया फिर अंदर वाले का डेरिवेटिव, x का हो गया 1, 1 का 0, रूट का क्या होता है देखिए रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/√(x), तो रूट का 1/√(x²+2x+5), तो रूट का हमने किया, अंदर वाले का डिफरेंशिएशन 2x+2, ठीक है। अब देखिए
थोड़ा सा ये और सिंप्लीफाई हो सकता है। ये वन प्लस यहां से टू कॉमन ले लेते हैं तो x प्लस वन अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस फाइव होगा। किसी को कोई तकलीफ यहां तक? भाई टू ऊपर से कॉमन ले, नो सर, टू कैंसिल। वन अपॉन प्लस वन प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस फाइव, इसका एलसीएम किया रूट एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स फाइव, तो रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस फाइव प्लस ये वाला टर्म से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो डीवाई अपॉन डीएक्स हमें क्या मिल गया? डीवाई अपॉन डीएक्स हमारा आ गया सिंपल सा वन अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस फाइव, यही हमारा आंसर आ गया।